नमस्कार। सो बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में। और सबसे बड़ा जो एक अपडेट है मैंने कहा आपको, क्योंकि ना जब से उत्तर प्रदेश का राउंड वन का रिजल्ट आया है, और मैं हमेशा हिंदी में कहता हूँ, कहावत है ना, हारो का सहारा शाम हमारा, तो उत्तर प्रदेश पिछले साल बहुत उसने सपोर्ट किया था, जो जस्ट नीट क्वालिफाइड बच्चे थे 140 से 150 नंबर वाले, उन सबको एक बजट में सीट दे दी थी 70 लाख के बजट में। और ठीक ठाक कॉलेज थे फिर भी विज़ाविज़, क्योंकि बाकी देखिए पूरा हिंदुस्तान ही महंगा पड़ता है, खासकर इन मार्क्स पे। तो यू नो 180 190 पे या तो आप गीतम जैसा लो और उसके लिए आप 140 खर्च करो, वरना 70 72 में कॉलेज मिल जाए बड़ी बात थी। लेकिन अब और इस साल झटका लगा, हम जानते हैं 236 मार्क्स पे ख़त्म हो गया। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जी साल के 236 मतलब लास्ट ईयर के वैसे भी 200 थे, क्योंकि 30% रैंक नीचे आ गई है सेम मार्क्स पे बिकॉज ऑफ द मेरिट। अब उत्तर प्रदेश में ये नोटिस आपके काम का है, तो देखिए हम जानते हैं उत्तर प्रदेश की दो वेबसाइट है, DGME वाली वेबसाइट पे 3 4 आए हैं, और जो सबसे लेटेस्ट इम्पोर्टेंट आया है वो यही है कि अभी अभी उन्होंने वैसे मेरिट लिस्ट भी अपलोड कर दी है, लेकिन सबसे पहले आया है कि जो नई सीटें ऐड हो गई हैं, तो आपको वो दिखा देता हूँ। सरस्वती हापुड़ उन्नाव, जो कि एक तरह से बैन कर दिया गया था राउंड वन से, उसमें 150 सीटें आ गई हैं। और ठीक है जी, उन्होंने NMC से बात की होगी, मैंने हमेशा कहा था कि जुगाड़ तो चलता ही है हिंदुस्तान में, लेकिन फिर भी मेरी नज़रों में आज भी वो कॉलेज बॉटम थ्री में ही है। वेंकटेश्वरा को 100 सीटें और मिल गई हैं, पता नहीं वो कैसे मैनेज कर रहा है। और सरस्वती हापुड़ जो फिर भी एक ठीक ठाक कॉलेज है हमारी, मैं फिर से क्लैरिफाई कर दूँ हमारी, क्योंकि वो स्केल के हिसाब से कि भाई चलो फिर से वही बात है, हारो का सहारा शाम हमारा, तो 100 सीटें सरस्वती हापुड़ में ऐड हो गई हैं। पर अभी 350 सीटों का मतलब क्या होगी, मेरिट कितनी गिरेगी? ठीक है, ये तो पहले हो गया 350 सीट ऐड हो गई हैं। दूसरा, आपने अभी भी देखा होगा कि चूंकि चॉइस फिलिंग लेट हो गई है, तो अब जो राउंड वन के यूपी वाले लोग थे वो 21 तारीख तक सीट दे सकते हैं रेजिग्नेशन। देखिए उत्तर प्रदेश में बड़ा अजीब सा रूल होता है कि जिस दिन चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी उसके 2 दिन पहले, क्योंकि अब चॉइस फिलिंग अब 23 तक पोस्टपोन कर दी गई है, तो इसके लिए उन्होंने बोला है कि अब इस्तीफा देने 21 तक आ सकते हैं। एक्चुअली बहुत सारे बेचारे मेरे क्लाइंट थे जी, जो कल रात को आज सुबह सुबह 10 बजे जाके इस्तीफा देकर आए हैं, क्योंकि ये नोटिस तो अभी आया है, क्योंकि उनको अब यूपी की सीट नहीं लेनी थी, उन्होंने ले ली थी पर उनका सेकेंड थाट्स आ गई थी। तो लेकिन अब उनके पास 2 दिन का समय और है, तो यूपी में ये चलता है कि अभी कर दोगे इस्तीफा तो उसे 2 2 लाख का नुकसान होगा, और ये 2 दिन के गैप खत्म हो गया तो फिर आपकी कम से कम आधी फीस जाएगी जो आपने राउंड वन में दी थी। अगर आप छोड़ना चाहते हो, अपग्रेड के लिए जा रहे हो, तो बात अलग है। तो ये भी एक नोटिस आ गया है, क्योंकि यूपी का शेड्यूल थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया है, राइट। तो चूंकि ये आपको तीसरा दिखाता हूँ मैं, क्योंकि जो पहले चॉइस फिलिंग 21 11 बजे होनी थी, वो 23 शाम को 5 बजे शुरू होगी, तो इसलिए देखिए चूंकि 23 5 बजे शुरू हो रही है, तो ऑटोमेटिकली जो इस्तीफे का डेट है वो आगे खिसक गया, राइट। क्योंकि मैंने कहा ना यहाँ इस्तीफा बिल्कुल दो 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 48 घंटे के हिसाब से चलता है। सो 23 तारीख को शाम को 5 बजे चालू होगी, 23 तारीख मतलब बुधवार, तो डिले कर दिया उन्होंने। उसका कारण ये है कि MCC हर जगह लेट चल रहा है, पूरी इंडिया काउंसलिंग 2 से 3 दिन लेट चल रही है, साउथ के तो बहुत स्टेट्स ऐसे हैं कि राउंड वन का रिजल्ट नहीं आया, आंध्रा का तेलंगाना का, तो उसकी वजह से। दूसरा अपडेट आपके लिए ये है कि उत्तर प्रदेश में और 2 दिन का समय है अपने पास, 350 सीटें बड़ी हैं इस्तीफा देने की, लेकिन अभी तक उन्होंने ये चेंज नहीं करा है कि जो वो आज डेट थी ना सिक्योरिटी डिपॉजिट की, वो चेंज नहीं करा है। तो उसको देखो शेड्यूल में ये तो कर दिया उन्होंने, लेकिन उसको चेंज नहीं करा अभी तक, जो आज लास्ट डेट थी सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराने की, राइट। तो उसको एक बार हम देख रहे हैं कि उसके बारे में कोई वो नहीं आया कि रिवाइज शेड्यूल जिसे हम कहते हैं, मतलब चॉइस फिलिंग का तो आ गया लेकिन डिपॉजिट का नहीं आया, तो डिपॉजिट का आज ही लास्ट टाइम है कि अभी तक किसी ने नहीं करा, तो अपने 2 लाख रुपए भर सकता है। तो सीटें आ गई, अब ये ना एक्चुअली अभी भी आई है, ये पुरानी मेरिट लिस्ट है जो मैंने आपको दिखाई राउंड वन की, और हमें पता है कि 236 नंबर, जो कि अभी तक जिन लोगों ने शाम को 5 बजे तक पैसे दिए, उसको देखकर इन लोगों ने शायद बिल्कुल समय पे जैसे कहते हैं मेरिट लिस्ट सेकंड की भी अपलोड कर दी है। चलो देखते हैं, अब लास्ट राउंड में अगर 236 मार्क्स पे आखिरी सीट मिली थी नॉन मेनल्टी की, और मेनल्टी हम जानते हैं काफ़ी नीचे था वो, 200
और एफ एच जैसो में अगर आप जाना चाहते हो तो बहुत ही नीचे भी मिल गया था, तो 236 के नीचे अगर हम देखें। देखिए अब ये लोग वो हैं जिन्होंने नए 2 लाख रुपए दिए हैं, राइट। सो 236 पे जो सीट खत्म हुई थी। और देखिए मैं इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो ऊपर ऐड आ गए हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए राउंड टू में स्टेट मेरिट 247 में 15,715, मैंने शायद अभी बंद कर दिया, अगर मैंने ना खुला होगा तो मैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी जो कि राउंड वन की मेरिट थी, जो मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि इसमें दिक्कत क्या है कि ये रहा, मिल गया, ठीक है। देखो ये थी मेरिट लिस्ट राउंड वन, ठीक है, अभी इसको बंद कर, ये है मेरिट लिस्ट राउंड वन, ये अभी भी आई है मेरिट लिस्ट राउंड टू। अब दिक्कत क्या होती है, जो नए लोग आ गए, ठीक, तो हम किसी कोई भी एक नंबर पकड़ लेते हैं बीच का, 205 नंबर वाला 15,700 पे था राउंड वन में, 205 नंबर का 15,782 कह लो या 15,800 पकड़ लो, 15,800, 205 नंबर। लेकिन अब जो 205 नंबर वाला है राउंड टू में, वो गिर गया है 15,800 था ना, क्योंकि देखिए लोग नए भी तो आ सकते हैं ना, तो शायद ये भी हो सकता है जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि 15 नंबर गिरेगी, वो भी ना गिरे, क्योंकि अब जो लोग फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, समझ जाइए वो सब यूपी में इसलिए एंटर कर रहे हैं कि उनको सीट चाहिए, करेक्ट। सो सेम 205 नंबर पे अब 17,600 है, पहले कितना था 205 पे, 15,800, अब हो गया 205 नंबर वाले का मोटा मोटी, अब देखोगे 205 के कितने सारे हैं वैसे तो 17,600, 17,600 और 15,800, इससे समझिए आप, 15,800 पे 17,600, 1,800 बच्चों ने और फॉर्म भर दिया है। अब ये जो 1,800 बच्चे हैं जो यूपी में अब एंटर कर रहे हैं, ये सरकारी बच्चे तो होंगे ही नहीं, और मैं ऊपर से आपको दिखा भी सकता हूँ, सरकारी हम मानते हैं 600 तक चलता है, ठीक है, तो ये राउंड टू की है ना, एक 600 का चेक करते हैं। आप देखोगे 600 तक में ना इतना फर्क नहीं होगा, कोई बहुत ही बेवकूफ़ होगा ना जो सरकारी सीट वाला जो पहले नहीं आएगा, 600 नंबर वाले का तकरीबन 3,400 था स्टेट मेरिट, ठीक, 600 नंबर का 3,400 है राउंड फर्स्ट में, 600 नंबर वाले का 3,400, और अब देखते हैं राउंड टू में कितना है, 600 नंबर वाले का ही, ठीक है, इससे आपको आइडिया लगेगा। ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, मैंने देखा नहीं है, और हो गया तो मैं बड़ा शर्मिंदा हो जाऊंगा। देखिए 600 नंबर अभी भी मेरिट में 3,613 नंबर है, राउंड टू था ना, देखिए आप राउंड टू और राउंड वन में भी क्या था, 600 नंबर 3,600 रैंक, क्योंकि देखिए सरकारी जिसको मिलने वाली है वो थोड़ी ना रजिस्ट्रेशन करने में शर्माएगा, तो ये जो 1,800 बच्चे नए आए हैं ये सब घुसे हैं राउंड टू में प्राइवेट सीट लेने के लिए, तो इस वजह से आप सेफली मान के चलिए कि सीट कट ऑफ गिरेगी नहीं। ये जो 350 सीटें भी आई हैं ये भी 236 नंबर से ऊपर ही खत्म हो जाएंगी, इवन वेंकटेश्वर गजरौला की भी, सरस्वती उन्नाव की भी, सरस्वती हापुड़ की भी, और शायद ये 236 कट ऑफ ऊपर जाके अब 250 पे जाएगी फॉर द लोएस्ट मोस्ट कॉलेज, समझ रहे हो। ये दोनों को आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा ना कि देखिए 600 मैंने दिखा दिया आपको, 580 तक भी सेम रहेगा, उसके बाद अगर नए बच्चे जो घुसे हैं तो सोचिए, जो इस समय 2 लाख रुपए देकर एंटर कर रहा है यूपी की काउंसलिंग में, वो बेसिकली वही तो होगा ना जिसको प्राइवेट सीट चाहिए, राइट। तो इस तरह से आप जजमेंट कर सकते हैं कि यूपी में आपका कितना चांस है, तो जो 230, 225, 220 वाले हैं फिर से बहुत कम चांस है यूपी में सीट मिलने का, आप अपने बैकअप रेडी करिए, दूसरी जगहों पे फॉर्म भरना शुरू कीजिए, राजस्थान को एज ए बैकअप लेना शुरू कीजिए, बात करनी शुरू कीजिए नेगोशिएटेड सीट की, इसके अलावा भरिए फॉर्म हरियाणा में, भाई जो वेंकटेश्वर गजरौला लेने को तैयार था फिर वो हरियाणा का भी ले लो झज्जर, क्या दिक्कत है, और राउंड टू का फॉर्म खुला हुआ है फिलहाल हरियाणा का, उसको भरो, मतलब 215 नंबर वाले का शायद वहाँ चांस ज़्यादा है बजाय कि यूपी में 220 नंबर का, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, करेक्ट। और हमसे संपर्क करना चाहो आप जानते ही हो, पहला काम है 9643362320 पे कॉल कीजिए, ये नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि माई टाइम इज़ लिमिटेड, माई टाइम इज़ कॉस्टली, तो सारी काउंसलिंग मैं खुद करता हूँ, आपसे बात मैं खुद करता हूँ, कोई हमने स्टाफ रखे हैं स्टाफ,
फॉर द पेपर वर्क, लेकिन आपके साथ बात करना, आपको सलाह देना, आपके साथ आपके कन्फ्यूजन दूर करना, वो मैं खुद करता हूँ। मेरा समय कीमती है, थोड़ा ज़्यादा कीमती है, उस हिसाब से हमारे चार्जेस होते हैं। पहली बात करने के भी 2500 रुपये मैं लेता हूँ, बिना चार्ज के हम किसी से बात नहीं करते। एक दो बार ऐसे ही फ़ोन आता है कि फलाना डिस्ट्रिक्ट का ACP बोल रहा हूँ, हमारी असिस्टेंट सीधा कहती है जी आप ACP हो चाहे आप मिनिस्टर हो, सर से बात करने के तो पहले चार्ज देने ही है, सर को फर्क नहीं पड़ता, और ये सच्चाई भी है। तो जब हमने किसी को गलत नहीं किया तो हम क्यों किसी से डर के उसका फ्री में काम करें। करेक्ट। तो आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।